इस माइक के अंदर सबसे खराब बात मुझे ये लगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो कौन सा माइक यूज़ में लेते हैं। हमारे पास में एक ये माइक है, रोड वायरलेस माइक, ये माइक है हमारे पास में। इस माइक के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है। पिछले 3-4 महीने से इस माइक को मैं काम में ले रहा हूँ। करीब 30,000 रुपये के अंदर ये माइक आता है। इसके अंदर क्या है कि दो तो ये आते हैं माइक 30,000 रुपये वाले पैक के अंदर, ये दो माइक हो गए। खूब सारे वीडियो के अंदर खूब सारे लोगों के पास में आपने ये माइक ज़रूर देखे होंगे, जिसे कॉलर पे या जेब में या कहीं लगा सकते हैं। एक 21,000 का पैक है, उसके अंदर ही एक ही माइक आता है। पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मुझे रोड वगैरह ने किसी ने ऐसे नहीं कहा कि आप इसका रिव्यू करो, वैसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं अपने पास में जो इक्विपमेंट मैंने खुद खरीदे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया माइक दो, और ये है रोड का रिसीवर इन दोनों के लिए जो कैमरे के ऊपर लगता है, DSLR के ऊपर। जो बॉक्स आता है उस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, एक इस तरह से ये पाउच सा आता है, इसके अंदर भी आप डाल के रख लो, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं डाला, जरूरत नहीं पड़ी। एक पिन आती है जिसे चार्ज कर लो, सी टाइप इनके अंदर पिन लग जाती है। इस तरह से एक आधा एक्स्ट्रा आता है ऊपर लगाने वाला, जो एयर फिल्टर करने का होता है। एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं अभी आपको बताऊँगा। उससे पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। इन सब के ऊपर, तीनों के तीनों जो है इनके ऊपर ये इस तरह से बटन है चालू करने के लिए। लॉन्ग प्रेस करेंगे इसको तो ये स्टार्ट हो जाएगा। रिसीवर है, इसके ऊपर स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर दोनों माइक जो है इनकी बैटरी भी दिखेगी, खुद की बैटरी दिखेगी कितनी रिमेनिंग है। बैटरी बैकअप इनका लगभग 7-8 घंटे, 6-7 घंटे आराम से है, चालू करके छोड़ लो, काम में लेते रहो चाहे। और ये एक पिन है जो कैमरे के ऊपर लगती है, यहाँ से DSLR के ऊपर। मोबाइल के अंदर ये नहीं लगती, क्योंकि 3 गोल्ड और 2 ब्लैक डॉट वाली ये लाइन वाली पिन है, ये क्लिप है, इसके साथ में DSLR के ऊपर लग जाएगी, बात ही। अब जैसे शुरू करते हैं, मैं इनको थोड़ा सा काम में लेके आपको बता देता हूँ। स्टार्ट किया, दूसरा मैं जैसे स्टार्ट करूँगा इसकी दूसरी बैटरी भी नज़र आएगी, नहीं आई, चलू हो गया। हाँ, तो इसमें अब दोनों बैटरी नज़र आ रही है ना, लेकिन ये म्यूट हो गया, अब स्टार्ट हुआ है। इस माइक के अंदर सबसे खराब बात मुझे ये लगी, जस्ट एक क्लिक करो ये म्यूट हो गया। अभी मैं दूसरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे कर नहीं रहा हूँ, और अब आवाज़ आने लग गई। तो कई बार अगर आप 7-8-10 घंटे स्टार्ट रखते हैं, गलती से एक बार भी म्यूट हो भी जाए और चेक नहीं किया आपने, क्योंकि इसको चालू करो, इसको चालू करो, इसको चालू करो, कैमरे को चालू करो, और ये पिन चेक करो कनेक्टेड है या नहीं, उसमें कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। तो इस वजह से मेरे साथ में भी धोखा हुआ है, कई बार आवाज़ रिकॉर्ड हुई ही नहीं। दूसरी एक और बात है, इसके ऊपर बटन है, जो स्क्रीन है ना इसके ऊपर, एक दूसरा माइक है, इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ, फिर दोनों दिखाई देंगे इसमें। अब देखिए इन तीनों की जो है ये बैटरी बता रहा है, और अभी क्या है कि मोनो कनेक्शन है, मोनो इसको मैं करना होगा, मोनो स्टीरियो आप चेंज कर सकते हैं। ये जो मेन स्क्रीन वाला है रिसीवर है, इसके ऊपर दो बटन है, यहाँ पर इसके ऊपर ये दो बटन है जो रिसीवर है, और इन दोनों बटन को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे लॉन्ग प्रेस, तब स्टीरियो में हो जाएगा। स्टीरियो में यानी एक लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा। एक इसके ऊपर ऑप्शन है DB का, ये -27 या 30 dB तक हो जाता है, उससे नॉइस की आवाज़ भी साथ में कम हो जाएगी। मैं 0 dB रखता हूँ, 30 तो अभी हो गया। अब मैं आपको ये माइक लगा करके दिखाता हूँ, टेस्ट करते हैं इसका, जो बातें थी सारी मैंने बता दी। हेलो हेलो, ओके ठीक है। अभी दोस्तों ये अब जो माइक मैंने ये कनेक्ट कर लिया, इससे बोलूँ या इससे बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है, मोनो किया हुआ है, तो दोनों ईयरफोन अगर लगा के आप देखेंगे तो एक जैसी आवाज़ आ रही है। और स्टेरियो करूँगा मैं, तब आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। अब इनकी आवाज़ टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ में जो औसिया है, तो ले बेटा नहीं, आप दोनों बात करा जा, तो हम दोनों जो आपके साथ में बात कर रहे हैं। हेलो सिया, हाँ बैठी खड़ी हो जा, अरे बस बस बस, हाँ बता, अभी ने कह दी कहता। ये तो अब ईयरफोन लगा के आप देखना, या आपके पास में स्टेरियो स्पीकर है यानी मोबाइल के दोनों ओर लगे हुए, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। मैं इसको स्टेरियो के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट। अब ये दोनों माइक है और स्टेरियो में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। हेलो लसिया, अभी जा धीरे धीरे,
तो मैं अभी जिस माइक को मैंने हाथ में ले रखा है इसकी आवाज लेफ्ट कान से आ रही है ज्यादा। सिया बेटा देख लो अपना पूरा सुंदर गांव है, खेत है, बादल है, बहुत सुंदर चीज है, आसमान है, चिड़के कितना सुंदर है, ये बहुत सुंदर चीज है। अब हम दोनों को आप एक साथ भी सुन सकते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट में। सिया बोली बेटा बोलती रहे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट के अंदर दोनों की आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। दिन हो गया है, बहुत सुंदर दिन हो गया है। क्या हो ले ओके। तो ये अब मैंने आपको दोनों काम में ले रहा हूँ, दोनों की जरूरत एक आदमी को थोड़ी पड़ेगी वैसे। तो ये हो गई स्टेरियो की बात, मोनो की बात, और डीबी वाली मैंने आपको बता दी, साथ ही मैंने इनका कनेक्शन भी बता दिया। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जो इस माइक की ओरिजिनल आवाज़ है वही आवाज़ मैं आपको सुना रहा हूँ, आवाज़ सुन करके आप खुद डिसीजन लें कैसा है। यहाँ नॉइस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हवा चल रही है, हवा के लिए फिल्टर है। और खूब सारी जगह नॉइस आती है, तब आती है नॉइस मतलब ज़बरदस्त ब्याह शादी का है, कुछ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब कुछ होता है, तो आवाज़ इसमें आती है, नॉइस तो आती है, लेकिन इतना है कि अगर इसको पास में लेंगे तो कम आएगी, यहाँ करेंगे तो फिर ज़्यादा आएगी। यहाँ करने से आवाज़ भी ज़्यादा आती है, यहाँ करने से आवाज़ भी कम आती है, तो ये कई सारे डिफरेंस है इसके अंदर। चलिए ठीक है, थैंक यू।